हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस इज क्लास 12 कॉमर्स एंड वी आर कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इन दिस ऑर्गेनाइजिंग वी विल डिस्कस द अदर टॉपिक दैट इज नोन एज द डेलीगेशन। द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशंस वी विल डिस्कस टुडे। Already I explained some point regarding the delegations. What are delegations? I gave an example. मैंने आपको example भी दिया था कि अगर आपके family में जो है कोई अगर शादी organize हो रहा है तो जो head of family जो है, जो घर के जो head हैं, आपके father है चाहे mother है, ठीक है, they are not able to perform all the tasks. जो भी activity जो भी perform होता है शादी के अंदर, कैटरिंग का एक्टिविटी हो गया या फिर जो है डेकोरेशंस हो गया या फिर जो है आपका शादी कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, तो ये हर एक जितने भी काम जो है वो एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है। इवन देयर कैपेबल, भले ही आपके जो है फादर चाहे जो हेड ऑफ फैमिली है वो कैपेबल हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट परफॉर्म ऑल एक्टिविटी। परफॉर्म करते भी हैं, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम और वो काम जो है इफिशियंटली जो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो होता क्या है जनरली कि जो है जो घर के मेंबर जो हैं या जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको हम अपने काम को जो है डेलीगेट करते हैं या सौंप देते हैं। दिस इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो व्हेन द सुपीरियर ऑफ योर फैमिली, व्हेन द हेड ऑफ द फैमिली, दे डिस्ट्रीब्यूट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेंबर ऑफ द फैमिली, दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज द डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब होता है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है हम अपने सबॉर्डिनेट्स में, अगर मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ तो अपने फैमिली मेम्बर्स में जो है हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द या डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेम्बर ऑफ द फैमिली, बट ऑल्सो वी डेलीगेट द अथॉरिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैनेजर जो है उसके पास बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत से वर्क हैं, ठीक है, एक मैनेजर जो है सिंगल पर्सन जो है वो हर एक वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है और साथ साथ में जो है वो अथॉरिटी भी डेलीगेट करता है, अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर हमने बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया अपने सबॉर्डिनेट्स को, कुछ वर्क असाइन करने के लिए बोल दिया, लेकिन हमने साथ साथ में अगर हमने अथॉरिटी डेलीगेट नहीं किया है तो पर्सन जो है वो एम्प्लॉय जो है चाहे वो सबॉर्डिनेट्स जो है दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर टास्क। सो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग, व्हाइल एलोकेटिंग, व्हाइल गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट्स, तो साथ साथ में जो है अथॉरिटी भी देना बहुत जरूरी है ताकि जो है वो पर्सन जो है उसको जो है परफॉर्म कर सके। सो वी कंटिन्यू द सेम एग्जाम्पल कि जब आपका जो फैमिली हेड है जब वो अथॉरिटी को जब डेलीगेट करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है का जो फ्लो जो है वो कहाँ से आता है, टॉप लेवल से आता है। टॉप लेवल मतलब कि जो आपका हेड ऑफ फैमिली जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं टूवर्ड टू द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। जो डेलीगेशन जो होता है वो ऊपर से जो मूवमेंट जो होता है, जो फ्लो जो होता है डेलीगेशन का, वो जो है टॉप टू बॉटम होता है। तो यही हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। सो डेलीगेशन इज, डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। एक सबॉर्डिनेट्स, एक 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 बिजनेस के अंदर जो है देयर इज अ हायरार्की, देयर इज अ देयर इज लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। We know that what is the responsibility of top level management. They are making strategic plans. They make the policies. The top level management give order instructions to the middle level management, and this is the responsibility of middle level management to take the things, to take the works from the subordinates. ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी जो है, जो फ्लो जो हो रहा है, ट्रांसफर टॉप लेवल मैनेजमेंट से हो रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सीईओ है वो अपने जो है एग्जीक्यूटिव को, ये जो या फिर जो भी डिपार्टमेंटल हेड है उनको जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमारा इस महीने का जो ये टारगेट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको फुलफिल करना है, और साथ साथ में उसको जो है अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब मैनेजर जो है दे आर नॉट कैपेबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फ्लो जो है अथॉरिटी
का जो है वो ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें, ठीक है, वहाँ पर हमेशा अथॉरिटी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट पर मूव करता है। एंड नेक्स्ट वन इज थिंक दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन अथॉरिटी कि अगर हम अपने सुबोर्डिनेट्स को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द सुबोर्डिनेट्स। अगर एक सुबोर्डिनेट्स के पास अथॉरिटी नहीं है वो अपने स्किल्स को जो डेवलप कर सके, चाहे उसका जो भी उसका नॉलेज है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी इनिशिएटिव आइडियाज है या क्रिएटिविटी आइडिया जो है, अगर वो जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रहा अपने वर्क प्लेस पर तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। सो इट इज अ अपॉर्चुनिटी, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय टू द सुबोर्डिनेट सो दैट वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने स्किल्स को जो है प्रूव कर सके मैनेजमेंट के सामने, अपने आइडियाज को जो है वो इनिशिएट कर सके या फिर अपने वर्किंग प्लेस पर जो है उसको जो है यूज कर सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब अपॉर्चुनिटी जब डेलीगेशन जो है अथॉरिटी के करते हैं तो ये हमारे एम्प्लॉय को एक जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अपने कैलिबर को, अपने एफिशिएंसी को, अपने नॉलेज को जो है वो प्रमोट करता है और जो है मैनेजमेंट के सामने जो है अपने आप को जो है एक शो ऑफ करता है कि भाई हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हमारे अंदर मैनेजर स्किल्स है, हमारे अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, तो हम जो है कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब कि एक डेवलपमेंट का काम करता है एम्प्लॉयज का। अकॉर्डिंग टू लुईस एलन क्या कहते हैं, व्हाट इज द लुईस एलन सेड अबाउट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन इज द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। ओके, बिफोर डिस्कसिंग दिस डेलीगेशन गिव द लुईस एलन अगेन आई वॉन्ट टू एड इन द डेलीगेशन दैट कि डेलीगेशन जो है इट्स नॉट मीन एब्डिकेशन, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब मैनेजर जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है असाइन करता है अपने सुबोर्डिनेट्स को, चाहे डेलीगेट करता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली खत्म हो गई। इट मीन्स दैट एब्डिकेशन मतलब ये होता है कि हाँ उसकी अब जिम्मेदारी नहीं रही, ये ऐसा नहीं है। द मैनेजर स्टिल्स ही इज अकाउंटेबल इन द फ्रंट ऑफ हिज सीनियर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि शादी में मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई फैमिली मेंबर जो है अगर उस वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेही है अपने गार्जियन के लिए कि भाई गार्जियन पूछ सकता है कि भाई आपने जो वर्क जो हमने आपको असाइन किया था क्या वो वर्क परफॉर्म किया कि नहीं किया, ठीक है। हम उस मैनेजर जो आपका जो फैमिली हेड है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बच नहीं सकते, वो स्टिल वो अकाउंटेबल है, भले ही हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है चाहे डेलीगेट कर दिया है, चाहे अपने सुपोर्टेड्स में या फैमिली मेंबर में हमने बांट दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो अकाउंटेबल है, ठीक। वही यहाँ क्या है, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। इफ द मैनेजर डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बट स्टिल ही हैविंग अकाउंटेबिलिटी, ही हैव अकाउंटेबिलिटी इन द फ्रंट ऑफ हिज सीनियर, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है उसका जो है रिपोर्ट, उसका जो है जो भी आउटकम है उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, मैनेजर्स की बनती है, भले उसने जो है अपने काम को जो अपने सपोर्टेड्स में डेलीगेट क्यों ना कर दिया हो। अगेन डेलीगेशन जो है हम अपने सपोर्टेड्स को करते हैं, अगर वो सपोर्टेड्स जो है असाइन वर्क को ठीक से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो मैनेजर्स जो है उस अथॉरिटी को जो है वो दोबारा जो है दूसरे पर्सन को या दूसरे एम्प्लॉय को जो है रीडेलीगेट कर सकता है। When the manager feels कि हमने जिस पर्सन को काम दिया वो ठीक से प्रॉपरली वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो काम जो है अपने दूसरे सुबोर्डिनेट्स को या दूसरे एम्प्लॉयज़ को जो सौंप सकता है, बट इन 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 दिस केस ऑल्सो वो जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेजर भाग नहीं सकता, स्टिल ही इज अकाउंटेबल इन द फ्रंट ऑफ हिज सीनियर। सो अकॉर्डिंग टू लुईस एलन व्हाट ही सेड अबाउट द डेलीगेशन, डेलीगेशन इज द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी authority to another and creation of accountability। मतलब delegation क्या है, हम जो है
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है, अपने अथॉरिटी को जो है हम डिलीगेट करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, और एंड स्टिल वी आर अकाउंटेबल इन द फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट ऑफ अवर सीनियर। सो इस डेफिनेशन में जो थ्री एलिमेंट हैं डेलीगेशन के, फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज अथॉरिटी, एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। दीज आर द थ्री एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन। व्हेनेवर मैनेजर असाइन एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो है अथॉरिटी मूव करता है, और जहां पर अथॉरिटी है वहां पर अकाउंटेबिलिटी है। आई मीन टू से दैट कि जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए यू हैव, यू नीड सम अथॉरिटी, यू नीड सम पावर, और जब आपको पावर है उस टास्क परफॉर्म करने के लिए तब क्या है, आप अकाउंटेबल हैं अपने आउटकम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए आप जो है अकाउंटेबल अपने सीनियर के लिए। तो इनका मूवमेंट जो है एक साथ चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर है, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर अथॉरिटी है, और जहां पर अथॉरिटी वहां पर अकाउंटेबिलिटी है। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन, द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, दैट इज नोन एज द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन whenever a manager, whenever a senior assigns some duties to his subordinates, he has some responsibility. Assigning the responsibility to the subordinate is the delegation, delegation of responsibility. In order to perform the responsibility which is assigned by the manager also gives some authority to perform that a particular task. Without power, the subordinate have no right to perform, or we can say they have no power to perform the responsibility. So, in order to perform the responsibility, there is a requirement of degree of authority. So, this is the element of authority, responsibility, and accountability. Accountability, this is an element of delegation. So, authority, it's make the managers, it's make the personals to take a decisions, to take a actions within the scope of his managerial position. With the help of the authority, the managers, they take action, या वो अपने सुपोर्टनेट को जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द अथॉरिटी, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, और उनसे जो है काम लेता है विद द हेल्प ऑफ द अथॉरिटी। अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं है, इफ द मैनेजर्स दे नॉट हैव ए पावर टू इंस्ट्रक्ट देयर एम्प्लॉयज, टू इंस्ट्रक्ट हिज सुपोर्टनेट्स, तो वो जो है अपने एम्प्लॉय से कभी भी वर्क नहीं ले सकता है। सो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम असाइन करते हैं, हमारे बॉस हमको जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो साथ साथ में हमको जो है अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन व्हिच लिंक वेरियस जॉब पोजीशंस एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स, एंड दिस कम्युनिकेशन चैनल्स, दिस स्केलर्स चैन बाइंड ऑल द जॉब एंड ऑल द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्केलर चैन है वो क्या है, एक हमारा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर्स द कम्युनिकेशन इज फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। द इंस्ट्रक्शन इज फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो है, ये जो फ्लो जो है हमारा इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो हो रहा है, किसी भी एम्प्लॉयज का जो ग्रीवियंसेस है उसका जो फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द स्केलर चैन। एंड ये स्केलर चैन क्या है, एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये जो तीन एलिमेंट है डेलीगेशन की, इसको इससे जो है ये आपका स्केलर चैन जो फॉर्मली जो है इंटरलिंक्ड है। वही बता रहे हैं यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजिंग फ्रॉम द स्केलर चैन विच लिंक वेरियस जॉब पोजिशन एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ओरिजिनेट बाय द वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल पोजिशन। इट इज वेरी राइट कि देखिए, हमारा सपोज आई एम मैनेजर्स, आई हैव सम डिग्री ऑफ अथॉरिटी, मेरे सुपोर्टिनेट्स हैं उनका भी कुछ अथॉरिटी है,
मेरे सीनियर है, दे ऑल्सो हैव अथॉरिटी, बट इन माई अथॉरिटी द डिग्री ऑफ अथॉरिटी, और जो मेरे सुबोर्डिनेट्स हैं उनको अगर डिग्री ऑफ अथॉरिटी की बात करें, या जो मेरे सीनियर हैं उनके डिग्री ऑफ अथॉरिटी की बात करें, तो उनके डिग्री ऑफ अथॉरिटी में वेरिएशन है. माई सीनियर दे हैव ए मोर पावर एज कम्पेयर टू मी, आई हैव ए मोर पावर एज कम्पेयर टू माई सुबोर्डिनेट्स. तो वही यहाँ क्या है कि इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल इंडिविजुअल्स, मैं किस पोजीशन पे हूँ ये कंपनी के, मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं सुपरवाइजिंग लेवल पर हूँ या मैनेजरियल लेवल पर हूँ या टॉप लेवल पर हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डिग्री ऑफ अथॉरिटी क्या है, आपका डिग्री ऑफ पावर क्या है. वही बताया आपको वर्च्यू ऑफ द इंडिविजुअल पोजीशन, वर्च्यू मतलब कि पोजीशन, आपका जो रैंक क्या है, आपका जो है रैंक क्या है, उसके बेस पर जो है आपको जो है अथॉरिटी जो है असाइन किया जाता है और अपने जो है वर्क को जो है परफॉर्म करने के लिए. अगेन अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स रिलेशनशिप, टू हुम आई एम अकाउंटेबल, टू हुम आई विल गेट इंस्ट्रक्शन. तो ये जो रिलेशन जो एस्टैब्लिश हो रहा है सीनियर और सुपीरियर्स के बीच में, वो किस बेस पे, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिलेशन बना हुआ सीनियर और सुपीरियर्स का, जो रिपोर्टिंग रिलेशन बना हुआ सीनियर सुपीरियर्स का, वो हमारा बस के अथॉरिटी के बेस पे बना हुआ है, बाय द वर्च्यू ऑफ द इंडिविजुअल पोजीशन के बेस पे बना हुआ है. ठीक है, इफ आई एम ए सीनियर और मेरे जो सुपीरियर्स हैं, आई हैव ए पावर टू डेलीगेट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सुपीरियर्स और मैं उनसे मैं काम ले सकूंगा. तो ये जो रिलेशन जो है, and I have a right to ask them about the output of the task का क्या result है, negative result है, positive result है, ये मेरा right है, मेरा authority है कि मैं उनसे पूछ सकूँ. तो ये जो है और वो accountable है, अपने output के लिए accountable है, अपने result के लिए accountable. तो ये जो reporting relationship जो है ये create होता है with the help of the authority. So this is the one element of delegation. Next one is responsibility. What is responsibility? Responsibility is the obligations of subordinates to properly perform the assigned duty. This is my obligation. My seniors assign me some task, and now I am. मेरा obligation बनता है कि जो senior ने जो है जो task को जो मेरे को assign किया है उसको perform करने के लिए. This is the responsibility. You are the students. Also, आपके फादर जो है कुछ वर्क असाइन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वर्क को जो है ईमानदारी से करें. ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पर, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, एंड वन मोस्ट थिंग इज दैट देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डेलीगेटेड अथॉरिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑब्लिगेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए. इट मीन्स व्हाट बी प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द वर्च्यू ऑफ द इंडिविजुअल पोजीशंस, अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द एम्प्लॉय, उसके पोजीशन के बेस पर जो है, उसके पोजीशन के बिहाफ बेस पर जो है हमको जो है उसको अथॉरिटी या पावर जो है उसको असाइन करना है. If the managers delegate more power to subordinates as compared to his assigned task, तो subordinates जो है उस power का जो है misuse कर सकता है, और जब power का misuse करेगा obviously हमारा work जो है perform नहीं हो पाएगा. एक simple सा example दे रहा हूँ कि अगर किसी भी ऑपरेशन के अंदर एक चपरासी है, चाहे एक फोर्थ ग्रेड का एम्प्लॉय है चपरासी, अगर जो है उसको हमने ज़्यादा पावर दे दिया, ज़्यादा पावर उसको हमने डेलीगेट कर दिया, तो वो जो है डेली का जो ऑपरेशन जो वर्क जो है उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वो जो अनयूजली जो है अपने सीनियर से जो है वो डिबेट करेगा. ठीक है, तो इस तरह का जो है पावर हमको देना है अकॉर्डिंग टू द वर्च्यू ऑफ द इंडिविजुअल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ना ही हमको ज्यादा पावर देना है ना ही हमको कम पावर देना है. अगर हमने जो है कम पावर असाइन कर दिया, दैट पर्सन दे विल नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर जो है सेल्स पर्सन है, ठीक है, सेल्स पर्सन को हमने असाइन किया वर्क असाइन किया कि इस मंथ जो है आपको जो है सेल का 20% टारगेट, 20% सेल इंक्रीज करना है, लेकिन हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हमने उसको पावर नहीं दिया है कि अगर आपको जरूरत पड़ता है पैसे का तो आप जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से आप जो है कैश लेकर के आप अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए.
ठीक है। तो अगर उस पर्सन को जो है अगर ये राइट मिल रहा है और उसको पावर दिया जा रहा है कि एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड यू टेक कैश फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड परफॉर्म योर टास्क, आपको कैनोपी लगाना है, आपको जो सेल्स डोर टू मार्केटिंग करना है, जो भी करना आप करिए, लेकिन हम आपको राइट दे रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप जो है कैश डिपार्टमेंट से या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप कैश ले लीजिए। अगर यही पावर हमने उसको जा दे दिया एज कम्पेयर टू हिज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पैसे का जो है मिसयूज कर सकता है। अगर हमने पावर उसको कम दिया है कि वो जो है नहीं ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है, लेकिन उसको जरूरत है पैसा निकालने की, तभी अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो वो कम पैसा उसके पास पावर है कम पैसा निकाल पाने का, तो वो अपने टास्क जो परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन थिंग इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज फ्लो अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमेशा जो है अपवर्ड फ्रॉम लोअर टू अप हमारा फ्लो होता है। सुपरवाइजर्स लोअर लेवल में जो इंप्लॉय है दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड देयर सीनियर्स, सीनियर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड देयर सीनियर्स, सीनियर्स जो है वो अपने अपने अपर सीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ये लो टू बॉटम सॉरी बॉटम टू अप जो है मूवमेंट होता है। दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लो अपवर्ड। हम देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज अथॉरिटी वी कैन डेलीगेट, ए मैनेजर कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी, ए मैनेजर कैन डेलीगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ए मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट हिज अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर जो है अपने अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। अगर मेरे सीनियर ने जो है मुझे बोला कि इस बार जो है सेल्स को आपको 20% इंक्रीज करना है एंड आई एम द सेल्स मैनेजर और मेरे अंडर में बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं, तो मैंने अपना जो है जो 20% जो सेल्स टारगेट इंक्रीज करना है, मैंने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव में समझा दिया कि भाई इस मंथ जो है हमको जो सेल्स का 20% टारगेट इंक्रीज करना जो हमारे सीनियर ने हमको दिया है। ठीक है, तो आई डेलीगेट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अथॉरिटी टू द टू माय सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ऐसा नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, नो दिस इज नॉट, हम अकाउंटेबल हैं। मतलब हम अपने अकाउंटेबिलिटी को जो है हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सर अगर बाय द वे अगर हमारा सेल्स टारगेट इंक्रीज जो ऑब्जेक्टिव हमारा है कि इस मंथ के 20% सेल इंक्रीज करना का वो अचीव नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि नहीं हमारे सुपरवाइजर से वर्क नहीं किया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने अपना पूरा काम जो है अपने सुपरवाइजर को डेलीगेट किया है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप भले ही अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करिए, लेकिन आप अपने अकाउंटेबिलिटी को जो है डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। वॉट एवर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपके जो सीनियर हैं, आपके जो भी इमीडिएट बॉस हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं वॉट इज योर आउटकम, और आप ये एंड यू हैव नो रूम यू हैव नो एक्सक्यूज कि हमारे सुपरवाइजर ने कुछ वर्क नहीं किया। सो यही बोल रहा है यहाँ पर इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, और दूसरी बात है एंड फ्लो अपवर्ड और अकाउंटेबिलिटी जो कभी भी अपवर्ड फ्लो नहीं होता है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अस्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। इसका मतलब क्या होगा, अथॉरिटी को हम डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्यूम मतलब कि हम मान चले कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हमको जब कोई वर्क असाइन किया जा रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि हम उस काम को परफॉर्म करें एंड अकाउंटेबिलिटी इम्पोज्ड, और आपके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी थोपा जा रहा है। ऐसा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है जब आपके पास अथॉरिटी है, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑटोमेटिकली आपके पास जो अकाउंटेबिलिटी आपके पास आ जाएगा, इट इज इम्पोज्ड। वही बता रहे हैं आपको, इन शॉर्ट अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अस्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। सो स्टूडेंट्स दीज आर द एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन। नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।